नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए मैच को रोमांचक बना दिया था। आखिरी दिन ऋषभ पंत ने धमाकेदार पारी खेली और 97 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 118 गेंदों पर 12 चौकों और 3 छक्कों की मदद से ये पारी खेली। उनको आउट करने में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के पसीने छूट गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने ऋषभ पंत को आउट करने के लिए तरह तरह की रणनीति बनाई, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। उन्होंने 65 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और उसके बाद बहुत तेजी से अपने शतक की ओर भी बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान उनको आउट करने की कोशिश में स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में चीटिंग की। जी हां, स्टीव स्मिथ बल्लेबाज ऋषभ पंत के गार्ड को मिटाते हुए देखे गए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रिंग्स ब्रेक के दौरान स्टीव स्मिथ पिच पर आए और पिच पर बैटिंग गार्ड को मिटाने लगे। वो पैरों से पिच को घिसकर गार्ड को मिटा रहे थे। रिंग्स के बाद पंत पिच पर आए और उन्होंने फिर अपना गार्ड बना दिया, इसलिए सोशल मीडिया पर स्मिथ की खूब आलोचना हो रही है। स्मिथ का यह प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। इसके बाद भी पंत ने बड़े बड़े शॉट्स लगाए। ये घटना विकेट के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आपको बता दें, पांचवें दिन भारत ने 2 विकेट पर 98 रन से आगे खेलना शुरू किया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए दिन की शुरुआत काफी अच्छी रही थी। नेथन लियोन ने रहाणे को कैच आउट कराकर वापस पेविलियन भेज दिया था, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए और चेतेश्वर पुजारा के साथ चौथे विकेट के लिए रिकॉर्ड तोड़ 148 रन जोड़ डाले। दोनों जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ऋषभ पंत 97 रन बनाकर नेथन लियोन का ही शिकार हुए और उसके बाद चेतेश्वर पुजारा हेजलवुड की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर वापस पेविलियन लौटे। लेकिन स्मिथ की ये चीटिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और एक बार फिर पूरे ऑस्ट्रेलिया कप्तान की आलोचना शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ।